Hi, you are watching Cooksmart with Sanjeev Kapoor. And Cooksmart में बढ़िया-बढ़िया recipes, fresh recipes, नई recipes, ताजी-ताजी recipes. ये मजा आता है. बासी खाना किसको मजा लगता है? भाई ताजी recipes ऐसी होती हैं कि मतलब खास तौर से आपके लिए बनाई जाएं. नहीं तो मैं देखता हूँ कई बार ऐसा होता है कि TV shows में भी कई बार मैंने बहुत जगह देखा है कि पता चला कि बहुत साल पहले कहीं वो शो रिकॉर्ड हुआ था किसी दूसरी कंट्री में रिकॉर्ड हुआ था और यहाँ पर दिखाया जाता है जिसकी ना रेलेवेंस होती है ना वो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं और मज़ा ही नहीं आता है तो इसलिए फूड पे जितने शोज होते हैं सारे आपके लिए बनाए जाते हैं सारे जो शोज़ हैं उसमें रेसिपीज़ ऐसी होती हैं इन्ग्रीडियंट्स ऐसे होते हैं जो आप आराम से ढूंढ सकें मिल सकें ऐसी रेसिपीज़ नहीं है कि जो दिखने में तो शायद अच्छी हों लेकिन बनाने में समझ नहीं आए कि कैसे बनाई जाए अब ये जो रेसिपीज़ हमारे यहाँ पर हैं बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ ये रेसिपीज़ आपको आप चाहें तो यूट्यूब में हमारा जो चैनल है वहाँ पर मिल सकती हैं फेसबुक है ट्विटर है सब जगह रेसिपीज़ हैं हमारी वेबसाइट पे मिल सकती हैं खैर ये जो रेसिपीज़ बनती हैं ये सिर्फ आपके लिए बनती हैं तो इसका आप इस्तेमाल ज़रूर करें नहीं तो ऐसा लगेगा कि अब देखिए आपको किसी ने गिफ्ट किया कोई चीज़ और आपने वो इस्तेमाल नहीं की तो अच्छा नहीं लगता ना तो इसलिए ये जो रेसिपीज़ हैं बड़े प्यार से बनाई जाती हैं तो इसका इस्तेमाल कीजिए चलिए शुरुआत करते हैं एक सैलेड के साथ में और ये जो सैलेड है ना ये हमारे पास में है पपाया और मेलन तो ये पपाया और मेलन ले लिया अब इसमें क्या करना है हमें ये है हमारे पास इसको कहते हैं मेलन स्कूप तो मेलन स्कूप तो मेलन तो हमारे पास ये रहा तो इसमें ये देखिए दो साइज होते हैं नॉर्मली ये इसको ऐसे पैरेलल और प्रेस करें और फिर उसके बाद इसे घुमाएं ये देखिए एक बार फिर ये लिया ये फिर इसको घुमाएं तो इससे जो स्कूप हैं वो बढ़िया बनेंगे इसके बाद अगर आपको लग रहा है आप सोच रहे हैं कि इसको किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे चम्मच लेकर ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये निकाल लीजिए ये निकाल लिया और फिर वापस सेम जो हम पहले कर रहे थे ये देखिए ये आह वाह तो ये मेरे पास यहां पर पपाया के स्कूप्स ओ पपाया के स्कूप्स वाटरमेलन के स्कूप और ये मेरे पास है कच्चा आम ये सैलेड के लिए कच्चे आम के ये देखिए इस तरह से पतले स्लाइसेस निकालने हैं हमने ये बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमें तो ये जो है कच्चा आम ये ले लिया और इसके पतले पतले स्लाइसेस कर लिए और अब हमें चाहिए ये कच्चे आम के पतले पतले जूलियन ये हो गए तैयार इसके बाद में और क्या चाहिए थोड़ी सी हरी मिर्च चाहिए नींबू का रस चाहिए ये सैलेड जो बन रहा है ना बहुत ही मज़ेदार सैलेड बनेगा इसमें ये देखिए हरी मिर्च और उसके साथ साथ पुदीना तो दोनों चीज़ें ज़रा साथ में चॉप कर लेते हैं वैसे ही चाहिए छोटा छोटा हरी मिर्च और पुदीना ये लीजिए तो पुदीने का भी फ्लेवर हरी मिर्च का भी टेस्ट ये दोनों और फिर इसको ले लेते हैं खाना दो तीन तरह का होता है एक तो खाना जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में घर पे खाते हैं एक ऐसा खाना जो बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाते हैं एक वो खाना जो हम घर में खाते हैं लेकिन कोई पार्टी वगैरह के लिए होता है उसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है अब ये घर में सैलेड बनाना है तो नॉर्मल थोड़ा सा प्याज काटा थोड़ा ककड़ी काटी थोड़ा सा टमाटर काटा हो गया
तैयार। लेकिन अगर कुछ घर में पार्टी है, कोई आ रहा है, तो उस दिन सारी मेहनत होती है। तो मेहनत वाले काम है, कभी कभी अपनों के लिए भी कर लीजिए, मतलब घर वालों को भी लगे कि आपके लिए भी थोड़ी सी मेहनत हो रही है। तो उसमें हाथ बंटवाने के लिए सबको साथ में ले लीजिए। तो ये मेरे पास ग्रेटर, ये ग्रेट कर दिया, और उसके बाद हरी मिर्च हो गई, पुदीना हो गया, इसके साथ साथ नमक, नमक के साथ में नींबू का रस। देखिए बहुत ही सिंपल सा सैलेड है, लेकिन दिखने में खाने में बड़ा मजेदार लगता है। ये लिया नींबू का रस इसके अंदर, अब पपाया, मिर्च, पुदीना, नींबू का छिलका, नींबू का रस, और उसके साथ में कच्चा आम जो है ये इसके अंदर डाल दिया। बढ़िया से इसको चिल करके तब सर्व करना है। तो अगर आपने इसे चिल नहीं किया हुआ तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप इसको पहले ठंडा करेंगे, फिर इसके अंदर नमक डालेंगे बाद में। पहले मत डालिएगा, नहीं तो पानी ये बहुत छोड़ देता है। वाह, ये देखिए कच्चा आम, ये इसके साथ इसमें, और उसके साथ साथ पुदीना भी हमारे पास है, पपीता भी है, वाटरमेलन भी है, दिखने में अच्छा है, और कच्चा आम जो है ना वो इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट है। साथ में खाते जाइए खट्टा मीठा सैलेड।